दही सवाल पूछ रहे हैं कि कोई आदमी जिस पर कर्ज था तो वो जो है मर गया, उसके इरादा तो था चुकाने का लेकिन ज़िंदगी में इस्तेदात नहीं बनी, चुका नहीं पाए, अब मर गया तो अब उसका क्या होगा और पीछे कोई इसके चुकाने वाला कुछ है भी नहीं। देखिए सबसे पहले तो अगर उसके पास जो भी विरासत थी, अगर उसके पास मकान है या कुछ भी था, जो भी है कोई चीज़ हो, तो वो सबसे पहले आप उसको उसके उसको बेच के, या जो कोई नहीं है तो वारिस नहीं है तो सीधी सी बात है कि जो मोहल्ले वाले लोग हैं या जो कोई उसकी जमात वाले या जहाँ भी अंदर वो अमीर है मोहल्ले का या मस्जिद का इमाम है, उसका काम है कि वो उसकी वो जायदाद जो भी है उसको वो बेच दे, तो उसका कर्जा चुका दे। अगर कर्जा इतना है कि वो उसकी बेचने से कोई फ़ायदा उसको मिल नहीं रहा, तो फिर जिसका कर्जा है तो उनको बुला के भाई इसके ऊपर कर्जा था, क्योंकि ये मसला ऐसा है कि अगर किसी ने कर्ज नहीं चुकाया तो ये अल्लाह इसको चुकता नहीं करेगा, ये वो मुझे आखिरत के अंदर ये उस आदमी को कहा जाएगा कि तेरा कर्जा इस पर बाकी था। और इसके ताल्लुक से तो ये भी रहता है कि मतलब जिसके ऊपर कर्ज है वो अल्लाह की राह में शहीद भी हो गया लेकिन उसकी रूह का ठिकाना नहीं मिलता, उसकी रूह बीच में है ना, तो इधर जा रही ना उधर जा रही, बरज़ख के दोनों के बीच में अटकी रहती हो, लेकिन अजाब में तो जा नहीं सकती वो और उधर भी नहीं जा पा रही, तो बीच में अटकी रहती जब तक उसका कर्ज नहीं चुका दिया जाए। तो कोशिश करें कि उसका कर्ज चुका दे, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी को आप किराए से दे सकते हैं कि भाई इसका आता रहेगा, सामने वाले को बोल दे कि आता रहेगा तो एक महीने आप ले लेना, क्योंकि अब वो बचा ही नहीं, अब धीरे धीरे कम से कम एसी चुकता जाएगा, तो मसाला नहीं कर सकते हैं। वो भी नहीं हो रहा है तो आप ऐलान करके मस्जिद के अंदर के भाई पर कर्ज था और ये लोगों का कर्ज है, तो ये लोग चाहें तो इसमें रियायत दे दें, अगर उनके पास में इतना है कि इसे आदमी के भाई किसी के पास 20,000 था तो हमारे पास ताकत है कि 20,000 माफ़ कर सकते हो, तो बोले नहीं कर सकता साहब मैंने बड़ी मुश्किल से दिया था, तो वो ठीक 10 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, तो जितना वो कर दे वो माफ़ करवा ले, बाकी सबका काम ये है कि अपने उस भाई के लिए सब इकट्ठा करें चंदा और उसका कर्ज़ चुका दें ताकि जो है उसकी रूह जो है अपने ठिकाने पर पहुँच सके। तो तमाम ये उसमें किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, करना चाहे तो जो जानता है तो उसको चाहिए कि इस तरीके से किया जा सकता है, और ये करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो उसकी रूह को कोई ठिकाना नहीं मिलता। ये बात इसमें सही जो हमको कुरान से हदीसों से हमको मालूम पड़ती है।